कोरोना काल में अरसे से ठप पड़े सिनेमा हॉल और थिएटरों के लिए कश्मीरी फाइल्स ने संजीवनी का काम किया है। अरसे बाद मल्टीप्लेक्सों की खोई रौनक लौट आई है। चारों तरफ द कश्मीर फाइल के चर्चे हैं। इसे कश्मीरी पंडितों से जुड़ा वो सिनेमा माना जा रहा है जिसमें सच है और सच के सिवा कुछ भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ फिल्म को लेकर विवाद भी बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार में नीतीश सरकार ने फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है तथा यहाँ पे जो सत्ताधारी एनडीए की सहयोगी है उनके हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जो चीफ हैं और बिहार के पूर्व जीतन राम मांझी ने इस विवाद को एक अलग ही एंगल दे दिया है। मांझी इस फिल्म को आतंकवादियों की गहरी साजिश करार दे रहे हैं। आपको बता दें कि कश्मीरी फाइल सिनेमा एक आतंकी साजिश है करके ऐसा मांझी ने बोला है। जीतन राम मांझी ने होली की सुबह सुबह एक ट्वीट किया, इसमें उन्होंने लिखा कि द कश्मीरी फाइल्स आतंकवादियों की एक गहरी साजिश भी हो सकती है जिसे दिखाकर आतंकी संगठन कश्मीरी ब्राह्मण में खौफ एवं डर का माहौल बना रहे हैं ताकि डर से कश्मीरी ब्राह्मण पुनः कश्मीर ना जा पाए। द कश्मीरी फाइल्स फिल्म यूनिट सदस्यों के आतंकी कनेक्शन की जांच होनी चाहिए। इस ट्वीट से में मांझी ने अभिनेता अनुपम खेर को भी टैग कर दिया है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं जो मांझी का वो ट्वीट है, आप लोग यहां पे इजीली देख पाएंगे। आपको बता दें कि जीतनराम मांझी के इस ट्वीट से बिहार में नए सिरे से सियासी संग्राम छिड़ने के पूरे आसार हैं। हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने राज्य में द कश्मीरी फाइल्स को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि ऐसे में धारी पार्टी के सहयोगी की इस मुखिया का यह बयान उसे परेशान कर सकता है। ऐसे में अगर इस पर बीजेपी ने नेता मांझी पर हमलावर हो जाए तो कोई दो राय नहीं है। आपको बता दें कि ब्राह्मणों पर फिर से मांझी ने बोल दिया है। इससे पहले भी उन्होंने ऐसा ही कुछ कहा था। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही जीतनराम मांझी का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो ब्राह्मणों को खरी खोटी सुनाते हुए नजर आए थे। हालांकि मांझी ने सफाई दी कि उन्होंने ब्राह्मणों को नहीं बल्कि पाखंड को बढ़ावा देने के लिए अपने समाज के लोगों को गाली दी थी, लेकिन इसके बाद से ही ब्राह्मण मांझी पर पूरी तरह से बिफर गए थे और पूरे बिहार में उनके खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन हुए थे। खैर, अब तो मांझी ने फिर से ब्राह्मण सेंटीमेंट से जुड़ी फिल्म को लेकर बयान दे दिया है। देखना है इसके बाद आगे क्या होता है। आपको क्या लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें।